बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के पालक मंत्री नितिन राउत इन्होंने सरकारी आदेश अनुसार शहर में 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन को लेकर बड़ी चौक में पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया है। आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। हर किसी का पहचान पत्र देखा जा रहा है। आइए देखते हैं ये तमाम जानकारी हमारी BCN की टीम की ओर से। नागपुर शहर की व्यस्ततम चौक में से एक बड़ी चौक ऐसा है जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा शहर को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किए जाने से आज बड़ी की सभी दुकानें बंद थी तथा बहुत ही कम लोग बड़ी चौक से आना जाना करते नजर आए। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने सभी जनता से घर के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। हाँ, लेकिन किसी महत्वपूर्ण काम से किसी को बाहर जाना हो तो मास्क, हेलमेट और पहचान पत्र रखना जरूरी क्या है। लॉकडाउन के चलते बरड़ी परिसर में पुलिस प्रशासन का बड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखाई दी। हर एक वाहन धारक से कड़ाई से पूछताछ और कागज पत्रों की चेकिंग की गई, तो वही कई वाहन धारकों पर वाहतुक पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम करने के लिए प्रशासन द्वारा शहर में 7 दिनों का कड़क लॉकडाउन जारी किया गया। शहर पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छा कामकाज किया जा रहा है। कोरोना को दूर करना है तो शहरवासियों ने प्रशासन के आदेश पर अमल करना बेहद जरूरी है। दर्शकों, इस समय में BCN की टीम सीताबर्डी के उस परिसर में है जहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहां पे दिखाई देता है। जिस प्रकार से राज्य के ऊर्जा मंत्री और शहर के पालक मंत्री नितिन राउत इन्होंने ये कहा था कि 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा, और आज वो 15 तारीख है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन की पूरी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पे सभी प्रकार के पुलिस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में है। सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, कोई भी फिजूल का बाहर ना घूमे इसके पूरे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, हर किसी की चेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं शहर की ST महामंडल की जो बसें है वो अपनी बस जिसे कहते हैं वो सेवाएं दे रही है। इमरजेंसी में जैसे अस्पताल हो या फिर किसी फार्मेसी हो या फिर किराना की दुकान हो, ये सब शुरू रहने के प्रावधान है। लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लॉकडाउन होता है क्या, किस प्रकार का नज़ारा शहर का होगा, ये देखने के लिए अक्सर बाहर आते हैं और उन्हीं की रोकथाम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। क्योंकि नागपुर शहर में जिस प्रकार से लॉकडाउन का जो दायरा बढ़ा है, जो इजाफा हुआ है, संख्या जो काफ़ी बढ़ी है, वो चिंता का विषय है। ऐसे में सबने एहतियात बरतना चाहिए और कोरोना वायरस इस संक्रमितों से अगर दूर रहना है तो हमने पूरी तरह से COVID-19 का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से जिला और मनपा प्रशासन को दिए थे और पुलिस प्रशासन को दिए थे, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लॉकडाउन पे काम करते हुए नजर आ रही है। और भी आज के इस दिन भर के लॉकडाउन को लेकर पल पल की जानकारी हम हमारे तमाम कैमरा पर्सन के साथ हम देंगे। आइए हमारे साथ। तो बर्डी के गांधी पुतले के पास जहां BCN की टीम है, हम आपको पल पल की जानकारी यूं ही देते रहेंगे। आप भी स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। बर्डी के इस ऐतिहासिक चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।